नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हर दिन हर घर आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जाहिर है कि आज कुछ हम खास बातचीत करने वाले हैं, आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत इस पर भी करेंगे कि आयुर्वेद कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जब दवाइयां खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि हम बीमार हैं तो एलोपैथ या होम्योपैथ या कोई दूसरी दवाइयां हम इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन आपको जानकर ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आयुर्वेद कहीं ना कहीं दुनिया बदलने की क्षमता रखता है, और अगर आप आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है आपके लिए, और एक जाहिर सी बात है स्वस्थ भी आप रह सकते हैं। और एक पारंपरिक ये तरीका है, ऋषि मुनियों संतों के द्वारा इस्तेमाल किया गया या प्रयोग में लाया गया, या फिर उसको और आगे बढ़ाने की फिलहाल कोशिश हो रही है। आज हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रविंद्र नारायण आचार्य हैं, DGCCRAS के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं AIIA की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर दीपा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर PTSR बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो चलिए एक एक करके आप तीनों से कुछ मेरे अलग अलग सवाल होंगे, और सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा वो होगा डॉक्टर रविंद्र नारायण आचार्य जी से कि सर, बहुत सारे ऐसे आम पौधे होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं उनकी, और उनके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जो शायद हम जानते नहीं हैं। तो उन पौधों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जो हम ज्यादातर अपने निजी जीवन में जिनको हम जानते हैं। नमस्ते, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। ये जो हमारा आयुर्वेद में प्रचलित औषध वनौषधियाँ है, उसमें सबसे ज्यादा हम त्रिफला नाम के द्रव्य का यूज करते हैं, जो कि आमलकी, बिभितकी और हरितकी की संभाग लेके करते हैं। और उसके एक त्रिकटु आता है, जब सुंठी, पिपली और मरीच तीनों को मिला जाता है तो उसको त्रिकटु बोले। इंडिविजुअली भी उसको व्यवहार में लाते हैं और उसको जब ग्रुप में भी यूज करते हैं, तो सबसे प्रचलित, बहुप्रचलित दवाई है जो कि हर घर में रहना चाहिए, जो हर घर में डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमको उसको त्रिफला और त्रिकटु को एक प्राइमरी हेल्थ केयर के मैनेजमेंट के लिए रखना चाहिए। उसके सिवा एक परिवार के नीचे किचन गार्डन कंसेप्ट हो या होम गार्डन का कंसेप्ट हो, उसमें और कई कॉमन पौधे जो कि हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर में काम आ सकते हैं, जैसे कुमारी है, एलोवेरा है, और हमारे पास रसून है, लसोना जो गार्लिक बोलते हैं उसको, वो हर किचन में रहता है, उसका भी दवाई का ज्यादा उपयोग होता है। लवंग है, क्लोव, जो वो भी हर घर में रहना चाहिए। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में के साथ भी कई इसमें दवाई में काम करता है। उसको छोड़ के भी हमारे पास गुड़ुची है, हर एक गार्डन है, कहीं हमारा कॉरिडोर में है या बालकोनी में है, हम गुड़ुची को लगा सकते हैं, जिसका पत्ता और स्टेम दोनों भी काम में आ सकता है। उसको छोड़ के हमारे पास धनिया है, धन्यक जो, तो उसको धनिया, उसका फल और पत्ते दोनों औषधि में आप सकते हैं, अब एक गार्डन पे रख सकते हैं। उसके बाद जो गांव में रहते हैं, जो अपने खेती और अपने घर के आजू बाजू में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे निर्गुंडी है, जो हाईटेक्स निर्गुंडो करके नाम का, वो हेज प्लांट के हिसाब से, और अर्क है, ये पॉइजनस प्लांट होते हुए भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पेन रिलीफ के लिए भी काम अच्छे से आता है ये। और घर पे जो छोटे से गार्डन हो सकता है, जिसमें हम पुनर्नवा नाम का एक पुरुणी या पुनर्नवा का ही उपयोग रख सकते हैं, जिसका लिए वेजिटेबल्स के हिसाब से भी, और उसको एक असहजन है जो मुरिंगा, उसका भी हर घर में एक तो प्लांट्स होना चाहिए, जिसका पत्ते, फूल, फल तीनों तरह से औषधि, औषधि के साथ में हमारा शाक द्रव्य जो वेजिटेबल्स के हिसाब से भी हम उसको, तो लिस्ट तो बहुत है, क्योंकि आयुर्वेद में नियर अबाउट 300 प्लांट्स का जो डिटेल्स उपयोग बताया गया है, उसका गुण कर्म सब बताया गया है, प्लांट्स का लिस्ट तो बहुत है। बट ये जो कॉमन प्लांट्स हैं, हम पूजा करते हैं डेली शिव जी का बिल्व, ये हर गांव में होता है और हर उन्हें होना चाहिए, ये प्लांट कम से कम हर गांव में
10 प्लांट्स तो होने चाहिए जिसके पत्ते का भी यूज हो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, और फल का, फल पक्के का फल का और कच्चा फल दोनों भी मेडिसिनल यूज होते हैं। तो परिस्थिति को देख के आयुर्वेद चिकित्सक का उपदेश मान के ये सब प्लांट्स को हमको उपयोग लेना चाहिए। और गार्डन में, गांव में एक दीपा जी हैं, वो तो डिटेल्स बताएंगे गायनिक डिजीज कंडीशंस के बारे में। अशोक का प्लांट जिस राज्य में होना चाहिए, जिस देश में, हर जगह हर प्लांट्स होता नहीं है, जिस देश में अशोक अच्छे बारिश की, जहां बारिश अच्छे होता है वहां अशोक का, ये हर गांव में कम से कम 10-15 पौधे पहले था, हर मंदिर में ये प्लांट था। आजकल वो कंसेप्ट बंद हो गया है, वो प्लांट्स निकल गया है हमारा कल्चर से। हर गांव में 10 प्लांट अशोक का तो होना ही चाहिए। और तुलसी तो हमारा धर्म के साथ, हमारे हरेक के साथ जुड़ा हुआ है, हर घर में तुलसी का 10-15 पौधा तो होना ही चाहिए। हमको प्रिवेंटिव से लेके मैनेजमेंट तक दोनों तरीके से ये दवाई या ये पौधे हमको काम आ सकते हैं। बिल्कुल, दवाइयां और खास तौर से जिन पौधों का आपने नाम बताया, धनिया जो कि हम बहुत कॉमनली अपने घर में यूज करते हैं, लेकिन शायद उसके मेडिसिनल वैल्यू के बारे में हमको अब तक उतना ज्यादा पता नहीं था सर जितना आपने मुझे बताया। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी धनिया के बारे में तो खास तौर से पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये तो हर घर में हर दिन ही होता है, हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने घरों में। डॉक्टर दीपा, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी मैं, चूंकि आप गायनेक भी हैं, तो जो पीरियड्स का टाइम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस दौरान सबसे ज्यादा दर्द होता है लड़कियों को, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या करना चाहिए जब इस तरीके की समस्या? नमस्कार। एक्चुअली आजकल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो एक नॉर्मल चीज है, उसको नॉर्मली ही लेना चाहिए। थोड़े बहुत क्रैम्प्स होते हैं तो भी जो गर्ल्स हैं वो मेडिसिन लेना शुरू कर देती हैं। और सीधे बहुत इजी वे है कि आप एक मैक्टाल स्पर्स खा ली और आपका पेन रिलीफ हो गया। लेकिन थोड़े बहुत क्रैम्प्स हैं तो उसको आपको थोड़ा फोमेंटेशन देके लोअर एब्डोमेन पर हल्का सा ऑयल, कोई नारायण महानारायण तेल आता है, उसको लोकल एप्लीकेशन करके उस पर आप फोमेंटेशन कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। और हमारे घर में, क्योंकि जैसा कि ये इस बार एक जन आंदोलन के रूप में ये चल रहा है और पब्लिक अवेयरनेस इसको बनाने का जो उद्देश्य है, ये हर दिन हर घर आयुर्वेद, वो है कि पब्लिक तक पहुंचाना। और जो हमारे घर में अवेलेबल स्पाइसेस हैं या जैसा सर ने प्लांट्स बताए, उन्हीं से हम कुछ यूज कर सकें जो हमारे डेली यूज में भी आती हैं। तो जैसे मेंस्ट्रुअल पेन है, ड्यूरिंग मेंसेस होता है, तो अजवाइन का काढ़ा बनाकर वो सिप करके पी सकते हैं। काला तिल और गुड़ के लड्डू बना के रख सकते हैं। जिनको स्कैंटी मेंसेस और पेनफुल मेंसेस होता है, वो काला तिल और गुड़ के लड्डू यूज कर सकते हैं। कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन ये क्योंकि घर में ही अवेलेबल है, उसे आप आसानी से यूज करते हैं। इस टाइम हिंगवाष्टक चूर्ण आता है, रजा प्रवर्तनी बट्टी आती है, ये सब तो टैबलेट्स हैं, चूर्ण है, इनको हम दे सकते हैं। और जो इस वक्त किसी को ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे जो लक्षण है, जैसे ब्लॉटिंग हुए, मूड स्विंग्स हुए, इसके लिए भी औषधियां बताई गई हैं जो आप इस टाइम ले सकते हैं। तो हम एलोपैथिक मेडिसिन लेने से बच सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरली वो बॉडी में जाकर बुरा साइड इफेक्ट भी डाल सकती हैं। इसलिए हमारी नानी दादी भी बता देते कि आप इस टाइम अजवाइन का काढ़ा भी ले और उसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, तो वो ब्लॉटिंग भी कम करेगी। तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है इन केसेस ऑफ डिस्मेनोरिया। मैम, इसी से एक कनेक्टेड सवाल है, अगर किसी में खून की कमी हो, किसी लड़की में, तब क्या करना चाहिए? खून की कमी भी, आजकल जो फूड है वो फूड हैबिट्स बहुत खराब है। हमारे आयुर्वेद में कुछ क्योंकि आहार जस्ट ये नहीं कि ये बता दिया आपको दाल चावल रोटी खानी है, इसको खाने की विधि तक बताई गई है, आपको कौन सा फूड किसके साथ नहीं लेना है ये तक बताया गया है आयुर्वेद में। तो अब एनीमिया है, गर्ल्स आजकल नहीं चाहती कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, वो साग नहीं खाना चाहती, वो उसे प्रेफर करती हैं जंक फूड, तो उनको अगर ना लेके इसी की कुछ रेसिपी बनाए, इसको अच्छी दूसरी फॉर्म में बना लें, तो ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर दिस एनीमिया। आमला है, आमला बहुत हेल्पफुल है, अनार, सेब, केला, चुकंदर,
और आंवला तो इतना अच्छा है, उसको मुरब्बे के फॉर्म में भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, आप धनी के साथ उसकी चटनी बना के भी ले सकते हैं, और ये हमेशा आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। साथ में मुनक्का है, मुनक्का छुआड़ा आप दूध के साथ अगर रात को ले लें, ये एनीमिया में इतना हेल्प करेगा, इवन इन एडोलेसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट वुमेन और किसी में भी। तो आप इस तरीके से अपना एनीमिया करेक्ट कर सकते हैं अगर ये डेली हैबिट में रखें। ये नहीं है कि आज आपने टैबलेट खा ली तो आप 3 महीना टैबलेट खा के सुधार सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन में रखिए, इट विल बिल्कुल हेल्प इन एनीमिया एंड ऑल्सो इन अदर प्रॉब्लम्स। डॉक्टर मंजूषा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मंजूषा, एक सवाल जो अक्सर हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में भी एक दूसरे के सामने रेज करते हैं या फिर हम इसको कहीं ना कहीं बियर भी करते हैं, वो है एलर्जीज। कभी भी एलर्जीज हो जाती हैं, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इस मौसम में एलर्जी ना हो और दूसरे मौसम में एलर्जी हो, किसी भी मौसम में कभी भी एलर्जी हो जाती है। तो किस तरीके से सीजनल एलर्जीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए सीजनल एलर्जी यस बहुत कॉमन है और आयुर्वेद में इसको प्रतिशय के नाम से जाना जाता है। और ये ज्यादातर जब एक सीजन से दूसरा सीजन चेंज होता है, अब जैसे सर्दी शुरू होने वाली है तो हमारे यहाँ ओपीडी में ये सर्दी जुकाम के पेशेंट बहुत आते हैं। तो अगर ये सीजन चेंज होने के समय हम वैसा आहार ले शुरू कर दे जो सर्दियों के लिए हितकारी है, जैसे कि आयुर्वेद में च्यवनप्राश है, आंवला है, पहले घरों में जो है गुड़ वाली चाय पिया करते थे, तो गुड़ का और गुड़ की पट्टी वगैरह हमारे आहार में, ये सर्दियों का आहार है। अगर हम गर्मी का आहार छोड़ के जब सर्दियों का ऐसा आहार लेना शुरू कर देते हैं तो ये एलर्जीज वगैरह हमें नहीं होंगी। और दूसरा, जो आयुर्वेद की दिनचर्या में एक प्रतिमर्श नस से बहुत अच्छी प्रैक्टिस बताई गई है और वो पहले घरों में लोग किया भी करते थे। अभी हमें कोरोना के दौरान हमने देखा कि नाक में 2 बूंद तेल, अणु तेल का डालना, उसका बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ है। ये अगर सब लोग करना शुरू करें घर जाने से पहले और घर से बाहर से आने के बाद, घर में जा आने के बाद 2-2 बूंद अणु तेल की या सरसों के तेल की या देसी घी की डालें, तो इससे जो है हम एलर्जी से बच सकते हैं। और दूसरा यह कि सर्दियों में एक चार्म है यंग एज मतलब बच्चों में कि हाँ सर्दियों में कुल्फी या आइसक्रीम खाने का ज्यादा मजा आता है, बट ये ऋतु के हिसाब से विरुद्ध आहार है। तो ऐसा आहार द्रव्य जो ठंडे हैं, फ्रिज का पानी है, जो गर्मियों के लिए ठीक है कि शीतल पेय हमें पीने हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसे आहार नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली ऐसी एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आंवला आना शुरू हो जाता है सर्दियों में, आंवला है, अनार है, और हल्का खाना खाना मीन्स एक जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि हेल्दी हैं, हमारी एलर्जीज को बढ़ाते नहीं हैं, और जो गैस करते हैं वैसे वाले आहार भी नहीं खाने हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो एलर्जी जो है वात दोष के कारण से होती है। तो गैस को बढ़ाने वाला आहार द्रव्य, भारी जो पचने में ज्यादा टाइम लेता है, इसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, तो जैसे चने हैं, राजमा है, गोभी है, ये हम ज्यादा ना खाएं। और यदि घर में बनाए भी तो इन सब्जियों को बनाने में अगर हींग डाल ली जाए तो गैस और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और हाई कैलोरी फूड आइटम्स, जंक फूड, जैसे डॉक्टर दीपा भी बता रही थी, जिनमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, तो जब इन पोषक अंशों की कमी हो जाती है किसी के भी शरीर में तो उनमें एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि स्वास्थ्यवर्धक आहार, हेल्दी डाइट अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली इन एलर्जी से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर मंजूषा, चूंकि आपने अभी एसिडिटी की बात कही, मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है और उसके लिए वो प्रेफर करते हैं कि सुबह उठ जाते हैं, खाली पेट एक एसिडिटी की गोली खा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। ये रूटीन ज्यादातर लोगों का ऐसा है, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या एक ऐसा कोई आप घरेलू कोई उपाय बता सकती हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान एसिडिटी की दवाइयां खाना छोड़ देगा या फिर जो गैस की समस्या है वो खत्म हो जाए या फिर कुछ हद तक कम हो जाए? इस एसिडिटी के साथ ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन जो है वो जुड़ा हुआ होता है, मीन्स उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो एक अविपत्ति का चूर्ण एक अच्छा योग है, नहीं तो सिंपल त्रिफला है, अगर किसी को साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो वो रात को ले सकते हैं। फिर घर में धनिया रहता है, एक धान्यक हिम की प्रैक्टिस है या धनिया वाला शरबत बनाया जाता है, वो अगर पिया जाए, नॉर्थ में रूह अफजा चलता है,
तो जो गर्मी को कम करने वाला आहार अनार है, जो बहुत अच्छा पित्त शमन है। ऐसे ही साउथ में कोकम बोल के शरबत मिलता है, इवन महाराष्ट्र में भी वो यूज होता है। तो अगर हम ये पित्त को कम करने वाले आहार द्रव्य खाएंगे और अपने खाने में तीखा तला हुआ खट्टा इन द्रव्यों को कम करेंगे, क्योंकि आजकल पानी पूरी, चाट, चाइनीज फूड आइटम्स जिसमें कि सिरका वगैरह ज्यादा यूज होता है, तो अगर हम नेचुरल जो हमारी खटाई है, अमचूर है, पुरानी इमली से बनी हुई चटनी खाएंगे तो शायद उनसे जो है ये एसिडिटी की प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती है जितनी कि इन सिंथेटिक द्रव्यों से होती है। तो अगर हम अपना आहार विहार ठीक कर लेंगे तो एसिडिटी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है ये लोगों को जानना भी चाहिए। डॉक्टर रवि नारायण, मेरी मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें बताया, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक गोलियां भी आती हैं, दवाइयां भी आती हैं, हम जो डॉक्टर से कंसल्ट करके लोग लेते हैं या फिर कोई किसी को बता देता है तो लोग उन दवाइयों को लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर बात आती है एक लिमिट की। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हम धनिये का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी को भी पता चला इसका मेडिसिनल वैल्यू, उसके बाद वो दिन भर में पाव भर तो धनिया खा जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि इस लिमिट को कैसे समझना चाहिए, लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, किस तरीके से आयुर्वेद की दवाइयां या फिर जो घर में मौजूद हैं होम रेमेडीज, उनको किस तरीके से उन्हें लेना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन प्रासंगिक है जो प्रयोग के बारे में, द्रव्य का प्रयोग के बारे में। द्रव्य का, हर द्रव्य का एक मात्रा होती है, उसी मात्रा में और उसका एक अवधि होती है, कितने दिन तक लेना है, कितने समय तक लेना है, दिन में कितने बार लेना है। तो ये सब चीज को भी जो वैद्य हैं उनके उपदेश से ही लेना है। ऐसा एक बार के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ठीक है, आपके घर पे होम गार्डन पे आपने प्लांट रखा है, आपके किचन पे ड्राई ड्रग्स रखे हैं, दोनों तरीके से दवाई रोज अवेलेबल हो सकते हैं हमारे पास। एक है फ्रेश गार्डन, जो कि आपका टेरेस गार्डन हो, अभी जो नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा है टेरेस गार्डन हो, या आपके अगर आप टेनामेंट में रहते हैं तो हर होम गार्डन हो नीचे पीछे, लेकिन किचन गार्डन, किचन का भी एक आइटम्स होते हैं जिसमें। तो मैं वो दोनों दवाई के बारे में एक पहले बता देता हूँ कि हमारे किचन में कौन से मिनिमम प्राइमरी हेल्थ केयर में दवाई होना चाहिए और उसको कौन सा डिजीज कंडीशंस में हम ले सकते हैं। पहले होता है कि मैडम, दीपा मैडम ने बताया हींग के बारे में, और हमारे हर घर में हींग होता है किचन में, और हींग का उपयोग हम आपके इमरजेंसी कंडीशन में और रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन आता है, अगर कुछ डिसमेनोरिया कंडीशन आते हैं लड़कियों का, तो हींग का उपयोग करें, तो वो तुरंत पेट में गैस होता है, तो हींग का उपयोग शोधित हींग का घी के साथ फ्राई करके उसका पाउडर को यूज करें मात्रा भर, तो ये काम दे सकता है। जैसे लवंग है, हमारे पास लवंग भी रहना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था। अगर कुछ कीट दंश हो गया, कुछ कीटे कीड़े काट लिए तो उसका, और टूथाक हो गया, ये पेन रिलीवर है, इमीडिएट पेन रिलीवर है लोकल एनास्थेटिक इफेक्ट दे के। तो लवंग को घिस के अगर आप लगा दोगे तो पेन भी कम हो जाएगा इमीडिएटली, कोई कीड़ा काट लिया, या डेंटल पेन है, कैरिज पेन हो रहा है, तो लवंग को चूस लो या लवंग को गले में रख के करो। रसूना, एक लहसुन जो होता है हर घर में होता है और हम डेली में यूज करते हैं, लेकिन उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। ऐसा नहीं कि हम एक साथ 10 कली लहसुन या खा लेंगे, तो ये गर्मी, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से उष्ण वीर्य वाला द्रव्य होता है, वो हम सह नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हल्दी होता है, हर घर में, हर किचन में हल्दी होता है। हल्दी का कई सारा मेडिसिनल वैल्यूज हैं, हम तो इसे डाइट में रोज खाते हैं, बट उसको दवाई में हम इसमें हल्दी और आंवला को मिला के डायबिटीज में हम यूज करते हैं, और सबसे अच्छा आज के रिसर्च बेस्ड ड्रग भी है वो। अदरक रहता है, जो आदू बोलते हैं गुजराती में, या अदरक या सूंठ, उसका ड्राई फॉर्म में सूंठ होता है। आयुर्वेद में एक कहावत है, हर एक को प्रैक्टिस करना, घर पे रह के करना चाहिए, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक संयुक्तम, यानी कि खाने से पहले अगर आपको मन नहीं है, मूड नहीं है खाने का, अरुचि है, जो अरुचक आयुर्वेद में दवाई बताया, एक कंडीशन बताया गया है, और तो एक टुकड़ा छोटा सा अदरक और सैंधव लवण ना हो तो हमारा सादा नमक के साथ अगर खाया जाए तो एपेटाइट इंक्रीज करता है, मूड नहीं होता है, जो हम होटल में जाके स्टार्टर ये सब उसी कंसेप्ट पे आजकल सब लोग उसमें कई चीज को
कुछ भी स्टार्टर के नाम से ले रहे हैं, बट सिंपल अदरक घर पे रहे, मन नहीं करता है क्या, क्योंकि वो कफ को निकालता है, मुंह से कफ को निकाल के रुचि पैदा करता है। तो ये सब चीज, और हमारे पास मेथी एक कॉमन ड्रग होना चाहिए, हर घर में है भी, और ये ड्राई फॉर्म में है। तो मेथी है, एला है, इलायची, अगर उल्टी हो जाता है, किसी को नशिया लगता है तो उसके पाउडर ले दे, तो इलायची उसी में इमीडिएट दवाई के नाम से, दवाई के हिसाब से भी काम करता है। अर्ली प्रेगनेंसी में जो वोमिटिंग होती है तो उसमें ये बहुत अजीब से दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो नशियाटिक वोमेंस रहते हैं उसी टाइम पे इसका, अगर हम मत कैसे उसको जला के, उसका प्रोसीड्योर होता है आयुर्वेद वैद्यों के उपदेश के साथ लेना है। ये हुआ ड्राई का। लेकिन आता है फिर हम ग्रीन गार्डन के बारे में बताते हैं, कुमारी अलॉय बोलते हैं, हर घर में तो कम से कम 2-3 गमले में होना चाहिए। माइग्रेन होता है, अर्धावेदक बोलते हैं, जो मंजूषा मैडम बेटर बताएंगे, मंजूषा मैडम, तो उसका अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन उसका जेल को करेंगे तो अर्धावेदक में भी बढ़िया इमीडिएट उसमें भी काम देता है, और बाल के झड़ने से और जनरली कॉन्स्टिपेशन और लिवर फंक्शन को अच्छे से बढ़ाने के लिए एलोवे का जूस। बट इसको मात्रा, जो आपने आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मात्रा के हिसाब से, शुंठी अगर आप 2 ग्राम 1 चम्मच शुंठी कोई खा लेगा तो एडवर्स इफेक्ट तो करेगा ही, वो उसने बहुत गर्मी करता है शरीर में, लहसुन 10 कली खा लेंगे, लेकिन उसको मात्रा के हिसाब से भी खाना चाहिए। दूसरी बात आता है कि एलोय का अगर हम ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये डिसेंट्री करेगा, विरेचन काम करवा देगा, तो वो डिसेंट्री टाइप ऑफ स्टूल करेगा, तो मात्राबद्ध इसको लेना चाहिए। तुलसी है, तुलसी खांसी कफ उसके लिए एक अमोघ औषधि है, मरीज के साथ लेना, लेकिन तुलसी को अगर हम ज्यादा लेंगे तो वो भी उसने की वजह से शरीर में खराब करेगा। और धनिया तो है ही, धनिया सब चीज को, तो मात्राबद्ध जो उचित मात्रा है, वयस्क को आदमी का उम्र को लेके, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जो सीनियर सिटीजन तक, हरेक के लिए मात्रा का, और अपना अग्नि आयुर्वेद में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो शरीर को कैसे, उसका अग्निबल क्या है, वो कैसे पचा पाता है खाने का, खाने चीज, उस पर डिपेंड करता है हमारा। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये ऐसी आम जानकारी भी नहीं, बेहद खास जानकारी है ये, जो हम सबको जाननी जरूरी है, क्योंकि जब कोरोना का वक्त आया था उस समय मुझे भी याद है, जब लोगों को कुछ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत कंटिन्यूअसली उसको लेना शुरू कर दिया, जिसका एक आफ्टर इफेक्ट भी हुआ था, उस वजह से लोग बीमार भी पड़ गए थे। तो बहुत जरूरी है कि जब आप कोई चीज इनटेक कर रहे हैं तो उसको मात्राबद्ध इनटेक करिए, जिस तरीके से डॉक्टर रवि नारायण ने बताया। डॉक्टर दीपा, मेरा एक सवाल होगा आपसे, आजकल बहुत ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है महिलाओं में, खास करके जब वो कोई पब्लिक टॉयलेट यूज कर रही हैं या ऑफिस उनको आना जाना होता है उस दौरान, तो इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं? क्योंकि आजकल गर्ल्स और जो भी एल्डरली वुमेन है तक, ये पूरी विमेन जो है बाहर आना जाना होता ही है, और पब्लिक टॉयलेट वाकई बहुत यूज होते हैं, तो क्लीनलीनेस हाइजीन पे तो ध्यान ही रखना ही है ना। आजकल सैनिटाइजर का टाइम है, बहुत ऐसे आते हैं जो आप पब्लिक टॉयलेट में स्प्रे करके यूज कर सकते हैं, ये तो हो गई एक हाइजीन की बात। और जो गर्ल्स हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी ध्यान रखें, मेरा ये कहना है। तो वो यूटीआई, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगी तो यूटीआई होना बहुत बहुत वाजिब है, क्योंकि गर्ल्स में यूटीआई होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब अगर ये यूटीआई बहुत होता है, और अगर किसी, हमारी बॉडी में एक हीलिंग, अपने आप सेल्फ हीलिंग की क्षमता होती है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हम वाटर इनटेक तो बताते ही हैं कि एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में, क्योंकि गर्ल्स बाहर जाती हैं वो वाटर भी नहीं लेती हैं, तो एडिक्वेट अमाउंट में वाटर इनटेक तो करें। और अगर उन्हें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो अगर यूटीआई की वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो सौंफ जो घर में मिल जाती है, सौंफ को भिगो दें रात को, और उसका जो पानी होता है वो सुबह इंटेक करें, उसका सिप सिप करके थोड़ा लेते रहें, तो बर्निंग में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी मेडिसिन है जिनसे उशीर आसव, चंदन आसव, ये चंदन उशीर इत्यादि से बनते हैं, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो वो ये शीत जो प्रॉपर्टीज बताई जाती है द्रव्यों की, ये शीत प्रॉपर्टीज हैं जो ये बर्निंग सेंसेशन को कम करती हैं।
और धीरे धीरे अगर सेल्फ हीलिंग से ठीक होता है तो वो होता है, नहीं तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन करता है वो आपको यूरिन टेस्ट करा के देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत आम समस्या हो गई है लड़कियों के लिए, तो यस यस ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर भी ध्यान दें, और नहीं, खास मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर तो खासकर इसमें ध्यान देना है, जी क्योंकि जो गर्ल्स जाती हैं या लेडी भी जाती हैं वो टाइमली पैड, क्योंकि इसकी एडोलेसेंट को एजुकेट करना इसके बारे में बहुत जरूरी है। इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे मैंने यूटीआई बताया, इवन एंडोमेट्रियोसिस आजकल कॉमन हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर खासा ध्यान देना है और पब्लिक में, गर्ल्स में अवेयरनेस बहुत पैदा करनी है, जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम करके कर सकते। जी बिल्कुल। डॉक्टर मंजूषा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मंजूषा, दांत ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, खास तौर से हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे दांत हमेशा सफेद दिखें, दांतों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जब तक बहुत जरूरी ना हो हम दांत ना निकलवाएं, बहुत सारी चीजें दांत को लेकर हम बड़ा पर्टिकुलर होते हैं, तो डॉक्टर मंजूषा दांत को कैसे हेल्दी रखना है? सी दांतों को लाइक दांत जो है मेन स्ट्रेंथ है हमारी ओरल कैविटी या मुख का। आयुर्वेद में 7 पार्ट बताए गए ओरल कैविटी के, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दांत है, और इनके हेल्दी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले सफाई बहुत जरूरी है। दांतों को 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए, और 2 बार नहीं है तो कम से कम 1 बार सुबह उठ के तो दांतों की सफाई करनी ही चाहिए। एंड इसमें सफाई के साथ साथ एक और प्रैक्टिस है आयुर्वेद में जिसे कि गंडूष या कवल कहते हैं, मीन्स दांतों को पेस्ट से या टूथ पाउडर से साफ करने के बाद जो त्रिफला का पानी या सादा नमक वाला पानी उससे कुल्ला करना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि जब भी कुछ खाते हैं दिन में, और टाइम भी हम खाते हैं, ब्रश तो 1 या 2 बार करेंगे मीन्स सुबह या रात को सोने के समय, तो जब भी कुछ खाना है तो रिंसिंग जरूर करना है जो उसे हम कुल्ला करते हैं। तो कहीं भी आप हैं घर से बाहर, कुल्ला करने के लिए आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कुल्ला कर लेंगे तो दांतों के बीच में जो है खाने के कण फंसे नहीं रहेंगे, क्योंकि वही एक मुख्य कारण होता है कृमि दंत या डेंटल कैरीज जो कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में जो दांतों का सड़ना बहुत कॉमन है, और दूसरा है कि छोटे बच्चे चॉकलेट्स या स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, और चॉकलेट जो है उसका नेचर है चिपकना दांतों में, तो इसलिए चॉकलेट वगैरह भी जब हम बच्चों को देते हैं तो एक प्रैक्टिस करवानी है कि वो तुरंत खुला करें, मुंह को साफ रखें। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, वो ज्यादा ना पिए, कॉफी है, चाय है, क्योंकि अगर ये देखा गया है कि गुजरात में एक प्रैक्टिस है कि चाय पीने के बाद वो पानी जरूर पीते हैं, दैट इज टू अवॉइड द स्टेनिंग, क्योंकि उसमें टेनिन रहता है चाय और कॉफी में, तो वो कुल्ला करने जैसा हो जाता है। इसलिए चाय या कॉफी ज्यादा नहीं पीते, जो लोग पीते हैं हम देखते हैं हमारे क्लिनिक पे ओपीडीज में आते हैं उनके दांत पीले रहते हैं, तो देन उनको और दूसरे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए जाना पड़ता है। लेकिन हम अपना साफ सफाई रखेंगे तो ये दांत पीलापन भी नहीं होगा। एज के कारण से इनामल लॉस से थोड़ा पीलापन आता है, बट दैट इज नॉर्मल, लेकिन आपको पेपायरिया नहीं होगा अगर आप साफ सफाई रखेंगे, डेंटल कैरीज नहीं होगा, डेंटल एट्रिशन जो एज के कारण होता है आप साफ सफाई रखेंगे तो वो भी कम होगा। डॉक्टर मंजूषा, चूंकि पीलेपन की बात आप कर रही थी दांतों के, तो आजकल टूथपेस्ट जो है मार्केट में टीथ वाइटनिंग के नाम से, या फिर अगर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखें तो इस तरीके से दिखता है, तरह तरीके के लोग उसमें रेमेडीज डालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मैम कि कोई एक ऐसी औषधि या कोई ऐसा एक आयुर्वेदिक तरीका जिससे हम अपने दांतों को, जिनके दांत पीले हो रहे हैं या हो गए हैं, वो सफेद हो जाए या फिर कुछ हद तक वो ठीक हो जाए, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उसमें पहले अगर आपको मिस सुना हो आपने कि पहले घरों में कोयले की राख भी यूज किया करते थे दांतों को साफ करने के लिए, कोयले का फाइन पाउडर। और एक समय था, मैं मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर में बताती हूँ, जब यही कोलगेट कंपनी मजाक बनाती थी, जब उन्होंने अपने पेस्ट पॉपुलराइज करने शुरू किए कि हम कोयला यूज नहीं करते, लेकिन नाउ दे ऑल्सो टेल के हमारे पेस्ट में ये कोल है फॉर वाइटनिंग ऑफ द टीथ, सो दैट इज अ नेचुरल वाइटनर। एक हमारा कॉमन योग है
दशन संस्कार चूर्ण वो बहुत अच्छा काम करता है। जो दूसरी दांतों की प्रॉब्लम है, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, उन सबको तो ठीक करता ही है, थोड़ा सा दांतों की सफेदी बनाए रखने में भी वो काम करता है। और एक जो मैं बता रही थी कि दांत साफ करने के साथ कुल्ला बताया गया है, साथ में एक मसूड़ों की मालिश भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दांतों की सफाई का। तो उसमें त्रिकटु जो डॉक्टर रवि नारायण अभी बता रहे थे, जिसमें कि सौंठ, मरीच और पिपली या एक त्रिमद रहता है जिसमें तीन सुगंधी द्रव्य हैं, इलायची है, त्रिमद और जावित्री है या तेजपात है, तीन सुगंधी द्रव्य हैं उसमें, उनसे उनके फाइन पाउडर से मसूड़ों के ऊपर मालिश करना, वो माउथ फ्रेशनर का भी काम करते हैं और जो दांतों की दूसरी प्रॉब्लम होने वाले उससे भी बचाव करते हैं। जी बिल्कुल मैम। जी डॉक्टर रवि नारायण सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि डेली बेसिस पर ऐसे कौन से हर्ब्स या ऐसे कौन सी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें हेल्दी रखेगी? मैडम अगर हम औषध की बात करें, औषध को डेली नहीं खाया जा सकता है, औषध बीमारी कंडीशंस के लिए ही होते हैं, बट शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए हमको कई प्रक्रिया के साथ जो आहार द्रव्य को हमको उसमें रूटीनली ले सकते हैं। दवाई जैसे मात्रावत अगर हम अश्वगंधा को ले 1 ग्राम रोज खाए तो वो शरीर को उसी हिसाब से ले सकता है, बट कोई भी दवाई जो औषध के हिसाब से लेना है वो लंबा दिन तक लेना ठीक नहीं है। बट नित्य सेवनीय रसायन हमारे पास भी है, आंवला है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है आमलकी। आमलकी को हम नित्य सेवनीय कर आगे रूटीनली खा सकते हैं डिफरेंट फॉर्म से, स्वरस से, जब वो अवेलेबल होता है रॉ फॉर्म में, या जब नहीं होता है तो चूर्ण फॉर्म में सीजनल के हिसाब से। बाकी अदर दवाई को जो भी है बाकी वो आहार के हिसाब से भी यूज होते हैं। जैसे कई शाका द्रव्य है हमारे, पुनर्नमा है जो मंजूषा जी ने बताया, तो चक्षु के लिए हितकर है, सबसे अच्छा विजन ठीक रखेगा। अगर हम गांव में चलता है, आज भी लोग पुरुणी के साग, पुनर्नवा का साग को वेजिटेबल के हिसाब से खाते हैं, आज भी लोग दूसरे जो कई सहजन को रूटीनली खाते हैं, उसका फल को, उसका पत्ते को भी हम रूटीनली दवाई जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में डिफरेंट कंसेप्ट पे ये काम करते हैं। डॉक्टर दीपा, एक सवाल और होगा मेरा आपसे, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स से कि खास तौर से आयुर्वेद को लेकर, कि बहुत से लोगों में अभी आयुर्वेद को लेकर जागरूकता भी नहीं है, वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा इफेक्टिव एलोपैथ हो सकता है या कोई दूसरी जैसे होम्योपैथ हो सकता है, आयुर्वेद अभी भी लोगों ने उस तरीके से नहीं अपनाया, जबकि हम सबको पता है कि एक पारंपरिक विधि है और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि ये हर दिन हर घर आयुर्वेद में भी बताया जा रहा है और ये विभिन्न वीक्स बनाए गए के मोटा अनाज वीक और होलिस्टिक हेल्थ के लिए ये सारे वीक बनाए गए, बहुत ही एप्ट थे। और इस जो एक इनका उद्देश्य है कि हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, बहुत ही एप्ट जो थिंकिंग है इसके पीछे, बहुत ही आयुर्वेद के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छी है। व्यूअर से मेरा यही कहना है कि आयुर्वेद की एक जीवन शैली है, ये केवल चिकित्सा नहीं है, एक जीवन शैली है। इसीलिए जैसा कि मैडम सर ने बताया भी कि इसमें दिनचर्या पूरा सुबह से लेकर आपको शाम तक क्या करना है, तो उसमें ही आपकी सारी जो नित्य आपको कर्म करने हैं वो आ जाते हैं। और वो आंखों की हेल्थ के लिए भी हैं, नस से भी है उसमें, ओरल हेल्थ के लिए भी हैं, और ओरल हेल्थ से बहुत चीजें आपके पेट की चीजें डिसाइड होती हैं। अगर आप ओरल हेल्थ सही रखेंगे तो आपके पेट की प्रॉब्लम से भी काफी बचेंगे। तो इस तरीके से वो नित्य कर्म बताए गए हैं। और साथ में आयुर्वेद में होलिस्टिक जो हेल्थ अप्रोच है वो ये नहीं है कि केवल आपको ये डिजीज ठीक करनी है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि पर्सन टू पर्सन, पुरुषम पुरुषम वीक्षम, अलग अलग लोगों की अलग चिकित्सा होती है। इसलिए जैसा एक बताया कि कोविड में सबको काढ़ा पीना है, वो खूब काली मिर्च सब लोगों ने खाई तो जिसको जो पित्त प्रकृति का था उसको प्रॉब्लम्स आने लगी, तो ये चीजें चिकित्सक के आप आयुर्वेद करें। जैसा सर ने भी बताया किस मात्रा में लेना है ये भी ध्यान रखना है, आयुर्वेद को जरूर अपनाएं, लेकिन एक चिकित्सीय सलाह भी लेते रहें। और साथ में आयुर्वेद में आहार विहार औषध तो बताया गया है, मानसिक
जो उस क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत है, तो मानसिक स्वास्थ्य का जो ध्यान रखा गया है आयुर्वेद में, सद्व्रत का पालन बताया गया है। तो सद्व्रत में आपका आचरण बताया गया है, उसमें केवल यही नहीं है कि आपको का एथिकल, सोशल, मेंटल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मॉरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, और साथ साथ फिजिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, ये सारी सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसका अगर हम पथ्य अपथ्य का पालन, आहार विहार कैसे करना है, आजकल स्टूडेंट्स या बच्चे, हमारे ही बच्चे जाते हैं सुबह नाश्ता किए बिना निकल गए, ठीक है, और फिर उसके बाद वहां कहीं समोसा पकौड़े पिज्जा बर्गर खा लिया, और फिर उसके बाद घर आके दोबारा खाना खा लिया, तो 2 मील्स के बीच का टाइम भी डिसाइडेड होना चाहिए, बहुत देर खाली पेट भी नहीं रहना। तो मेरा यही कहना है कि आयुर्वेद केवल औषधि नहीं, पूरी व्यवस्था है, पूरी आपकी जीवनचर्या है। मोटा अनाज हम लोग खाते हैं, आजकल हम गेहूं पे ही जोर देते हैं, अब फिर से एक टाइम आ रहा है जो मोटे अनाज की ओर जा रहा है। जापान में वहां जो उस भूमि में चावल होता है, चाहे वो मोटा चावल है, लेकिन वो लोग वही खाते हैं। तो हमें मोटा जो अनाज है, हमारे यहाँ रागी होता है, ज्वार है, बाजरा है, रागी में बहुत कैल्शियम कंटेंट होता है, ज्वार में कितना, बाजरा में कितना आयरन कंटेंट है, ज्वार में कितना फाइबर है, ये सब हमारा कॉन्स्टिपेशन खुद ही रिलीव कर देगा। हमारे आयरन कंटेंट को हमें बढ़ा के एनीमिया ठीक करेगा। कैल्शियम की सब में आजकल कमी आ रही है, आप ओवर एंड ऑल सब में देख लीजिए, मेल हो और फीमेल हो, सबको जॉइंट पेन, कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन डी वीकली वीकली वाला लेते हैं, लेकिन अगर वो अपनी आहार व्यवस्था ठीक रखेंगे तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मंजूषा, आप एक फाइनल कमेंट कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कुछ? मैं इसी के, मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें आईज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आईज केयर जो है वो हम अगर ध्यान रखें, डेली आंखों का ध्यान सही से रखें, तो हम जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है या ज्ञानेंद्रिय है उसका स्वस्थ रख सकते हैं। और ये जो इनको स्वस्थ रखने की चीजें हमारे घर में ही उपलब्ध है, हमारे दादी भी छोटी छोटी चीजें बताते थे। एक प्रैक्टिस के ऊपर मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, अंजन या काजल लगाना पंजाबी फैमिलीज में, नॉर्थ में बहुत कॉमन था, ऑल थ्रू आउट इंडिया था। आयुर्वेद का एक ये बहुत अच्छा एक श्रेष्ठ इफेक्टिव क्रियाकल्प है, लेकिन अभी वेस्टर्न मेडिसिन के कारण से इसकी प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है। हम लोगों ने अपने बच्चे बचपन में काजल लगाया हुआ है, इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं, तो उस एक प्रैक्टिस को हमें दोबारा से प्रचलित करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हुई, जिन कारणों से काजल का प्रचलन कम हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी, ना कि उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस का। तो अगर हम प्रॉपर बना हुआ काजल है, घर में भी बनाया जा सकता है, जैसे कि नॉर्थ में बादाम के छिलके से, साउथ में चमेली के फूलों से काजल बनाया जाता है, तो ये सब चीजें हम घर पे ही अगर मदर्स बना के बच्चों को यूज करें, और उनके साफ सफाई का ध्यान रखें, आंखों का, मुख के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बच्चों को सही खान पान दें, तो जो एलर्जीज हैं ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों में नहीं होंगी, और टोटल घर का बजट जो है दवाइयों पे खर्च होने वाला, आई थिंक वो बच जाएगा। तो दैट इज वेयर द आयुर्वेदा का स्ट्रेंथ है। जैसे डॉक्टर दीपा भी बताए थे कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा नहीं, जीवन शैली है, और प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर देते हैं। तो हमारा वेलनेस क्लिनिक्स भी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, 1200 वेलनेस सेंटर्स फर्स्ट फेज में चालू हो रहे हैं, कुछ चालू हो चुके हैं। तो इनके थ्रू जब आयुर्वेद की प्रैक्टिस, आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई गई प्रैक्टिस लोग घरों में करना शुरू करेंगे, बैक टू बेसिक्स, ऐसे हम अपनी पुरानी भारतीय जीवन शैली अगर अपना लेते हैं, तो जो कि आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है, आयुर्वेद से ही निकली हुई है, तो इन सब रोगों से, पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस से हम बच सकते हैं। यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर रवि नारायण सर, आप कुछ एक फाइनल कमेंट करना चाहेंगे? धन्यवाद मैडम। फाइनल कमेंट्स यही रहेगा जो मंजूषा मैडम और दीपा मैडम ने बताया, आयुर्वेद का जो उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, उसको स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम प्रधान सबसे प्रथम उपयोग है। उसके लिए सुबह उठने से रात को सोते वक्त सोने तक जो प्रक्रिया है उसको पालन करें, और द्वितीयतः एक द्रव्य गुण के
छात्र होने के नाते ये कहना है कि हमारा आहार द्रव्य और औषधि द्रव्य को ठीक से समझे। औषधि द्रव्य का उपयोग मात्रावत ठीक समय पे करे और जो आयुर्वेद में बताया गया है शाकवर्ग फलवर्ग दुग्धवर्ग और सिंबिधान्य सुखधान्य वर्ग देर आर सीरियल्स ग्रुप ऑल दिस टेक्स्ट हमारा डेडिकेटेड टेक्स्ट है इसके लिए उसका। और आजकल हम लोग कई एक्जोटिक वेजिटेबल्स एक्जोटिक प्लांट्स को भी यूज करते हैं बट ये ना समझे कि हर्बल इज आयुर्वेद। ये बड़ी ये है आयुर्वेद अपना विज्ञान पे एक साइंटिफिक थॉट के साथ आयुर्वेद दीर्घ समय से चल आ रहा है। इट हैज इट ओन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। हम इसको हर्बल एक्सट्रैक्ट या हर्बल के साथ जो भी कई समय से कभी वो समय के कसौटी पे नहीं चला गया है हर्बल के नाम से जो मार्केटिंग उसको थोड़ा अलग करे और आयुर्वेद का उपदेश को पालन करे तो जीवन स्वस्थ रहेगा। यही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मंजुषा मैम आपका। और जाहिर है कि हम आयुर्वेद को किस तरीके से अपने जीवन में शामिल करते हैं इसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आयुर्वेद क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आयुर्वेद के लाभ क्या हैं, आयुर्वेद है क्या और इसका इसके जरिए हम किस तरीके से अपने जीवन को या खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों।